हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने रनिंग टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, यह टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर भी उनकी वीडियोस में दिखाई देती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एंड मैंने भी अपने वीडियोस में लगा दिया है, यह क्लिप आप यहां पर देख सकते हो। ऐसी रनिंग टेस्ट अगर आपको नहीं लगाना आती है तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस रनिंग टेस्ट को कैसे लगाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे बंदे इसको चलती हुई लाइन भी बोलते हैं, लेकिन इसका असल में नाम है रनिंग टेस्ट। तो दोस्तों, इसको कैसे लगाया जाता है मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर भी बहुत सी वीडियोस में यह रनिंग टेस्ट निकल कर जाती है। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हमारी वीडियोस में हम लगा सकते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है दया सागर और आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक एंड न्यू टेक को लेकर आगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रनिंग टेस्ट लगाने के लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा, जिसका नाम है काइन मास्टर। और काइन मास्टर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आप सब कुछ उसमें से कर सकते हैं। बिल्कुल वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है। तो सबसे पहले आपको इस रनिंग टेस्ट को लगाने के लिए, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं एंड अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं। आप कैसे अपने दिल की आवाज़ को बाहर निकाल कर रनिंग टेस्ट में लगाना चाहते हैं, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ वह लिख सकते हैं एंड रनिंग टेस्ट ऐसे लगा सकते हैं। हिंदी में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो कुछ ऐसे आप सब कुछ उसमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को आप जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट का यह ऑप्शन शो होता है प्लस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको कौन सी वीडियो आप बना रहे हो यूट्यूब के लिए, तो आपको यह वाली साइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपको अपनी वीडियो को यहाँ से मीडिया में जाकर अपनी गैलरी से अपनी वीडियो को चूज कर लेना है। और फिर मैं यहाँ से अपनी वीडियो को चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी यह वाली वीडियो है, तो मैंने इसको यहाँ से चूज कर लिया। अब आपको यहाँ से राइट का यह निशान लगा देना है। फिर दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली इसको शुरुआत से यहाँ पर रख लेना है, इधर से स्लिप करके। और अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन शो होता है, तो लेयर पर आपको क्लिक करना है एंड सिंपली आपको टेस्ट का एक ऑप्शन शो होता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, तो मैंने पहले से लिख कर रखा है तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी बड़ा सेंटेंस लिखते हैं तो कुछ ऐसे यह 4-5 लाइन में आता है और इसको हम एक ही लाइन में नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, वापस से आपको इस पर क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर, और इन सबको धीरे धीरे हटा देना है, यहाँ से नीचे के सब हटा देना है और एक एक लाइन आपको वहाँ पर जोड़नी होगी। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं सिर्फ इतना, तो यहाँ पर आपको एक लाइन में लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, जैसा कि यह एक लाइन में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज कर लेना है, जिससे कि आपके जो बड़े फॉन्ट है या छोटे फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो ए और छोटा ए है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इस वाले फॉन्ट में लेकर आना है। यहाँ पर लेटिन का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से नीचे आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर रिड्रेस्ड का यह ऑप्शन शो हो रहा है, इस वाले फॉन्ट को आपको ले लेना है। तो इसको जैसे ही दबाएंगे और उसके बाद आपको राइट लगा देना है एंड यहाँ पर आपके फॉन्ट कुछ छोटे हो जाते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे जाना है। पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यह टेस्ट के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ से नीचे चले जाना है एंड नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है, बैकग्राउंड कलर। तो आपको बैकग्राउंड कलर के इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। फिर दोस्तों, आपको नीचे फुल विद बैकग्राउंड का ऑप्शन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है, तो ये फुल आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको इसके बराबर यहाँ पर रख लेना है। अब दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, आपको राइट यहाँ से लगा देना है।
फिर आप यहाँ से और कुछ लिखना चाहो तो और भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक हंट दे रहा हूँ, आप और लिखना चाहो तो बाद में लिख लीजिएगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अगर आप ब्लैक करना चाहते हो इसके पीछे का बैकग्राउंड, तो आपको वापस से टेस्ट पर क्लिक करना है एंड नीचे आना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आपको शो हो रहा है बैकग्राउंड कलर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस यह जो लाइन दिखाई दे रही है इसको आपको फुल कर देना है, तो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर फुल ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर यह फुल हो चुका है। अब दोस्तों समझिएगा, यह लाइन जो रनिंग करानी है हमें, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से दोस्तों आपका जो टेस्ट का लेंथ है इसको आप जितना बड़ा रखोगे उतनी स्पीड यह इसके हिसाब से देगा। तो आपको सबसे पहले आप यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि टेस्ट पर क्लिक करना है। अब आपको जहाँ से भी इन टेस्ट को रनिंग कराना है आपको वहां पर इसको रख लेना है, स्लिप करके इसको दबा कर लॉन्ग प्रेस करके और इधर उधर खिसका कर इधर आपको रख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा तो यहाँ पर रख लिया। एंड दोस्तों अब आपको अपने टेस्ट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होता है, यहाँ पर चाबी यानी कि की जैसा एक ऑप्शन शो होता है, तो आपको इस की पर दबाना है। एंड दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना अंगूठा रख के और इधर स्लिप कर देना है इस टेस्ट को। ओके गाइज यहाँ पर हमने रख दिया। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा एक डॉट लगाना होगा, तो डॉट लगाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा खिसकाया एंड यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है प्लस का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब आपको लास्ट में इसको धकेलना है। अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से लास्ट तक लेकर आना है इस जगह पर, तो इसको ऐसे धकेलना है एंड यहाँ पर लेकर आ जाना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप इधर से खींचकर लास्ट तक यहाँ तक आपको लेकर आना है। हम धीरे धीरे लेकर आते हैं इसको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस का आइकन शो हो रहा है इसको दबा देना है। एंड अब आपको जो बीच में यह रनिंग करेगा उसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है। तो आपको स्लिप करना है ऐसे, और ऐसे उठाकर आपको यहाँ पर ख़त्म कहाँ करना है इसको, वहाँ पर आपको ले जाकर रख देना है। फिर दोस्तों आपने जैसे ही रखा, अब हमारा काम हो चुका है, अब यह रनिंग करेगा। जैसा कि मैं आपको चलाकर दिखा देता हूं, एंड यहां से आपको राइट लगा देना है। अब दोस्तों यह रनिंग करेगा, सो मैं आपको यहां से चलाकर दिखा देता हूं, जैसा कि आप वीडियो में देखिएगा। इन बैकग्राउंड्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, मेन यह एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे आप बिल्कुल इजीली यहां से। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा टेस्ट यहां पर रनिंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहां से हम लेंथ को जैसे ही छोटी करते हैं तो यह थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर हमारी लेंथ छोटी हो जाएगी टेस्ट की। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूं। एक छोटा सा इमेज सर्च मेन, और दोस्तों अब आप देखिए इसको और छोटा करेंगे तो यह और तेजी से निकलेगा, तो इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। पहले आप गूगल से भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा इमेज सर्च मेन ये एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे आप बिल्कुल इजीली यहाँ से। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से हमारे रनिंग टेस्ट कैसे निकल कर जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ रनिंग लाइन को लगाया जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड आप सीखे होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे किसी इंपोर्टेंट वीडियो में इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।